कुछ अमेश कार्य। जय हिंद। सम्मानित सभी मेरे साथी अध्यापक एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि आज हम यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रथम बार जब शिक्षक दिवस मनाया गया था तो ये 5 सितंबर 1962 में मनाया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन होता है 5 सितंबर को, उन्होंने अपने जीवन के बेहतरीन जो 40 साल है वो एक शिक्षक के रूप में कार्य किया था, और उसके बाद वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद फिर दूसरे राष्ट्रपति बने। लेकिन फिर भी वो अपने जीवन के इसी स्पान को, जो एज ए टीचर उन्होंने कार्य किया था, इसी को बेस्ट मानते थे। और उन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्मदिन आप मनाना चाहते तो आप जैसे कुछ बच्चे गए थे उनके पास और कहा था, सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा अगर मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो एज ए शिक्षक दिवस के रूप में आप मनाओ। और 5 सितंबर 1962 के बाद हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक के सामने, पहले तो मैं मानता था कि हमेशा शिक्षकों के सामने कुछ ना कुछ कठिनाइयां तो होती रही होंगी, लेकिन आज के दौर में जो व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टाग्राम का दौर है तो हमारी कठिनाइयां और भी बढ़ गई, क्योंकि आज बच्चे हैं वो पॉजिटिव लोगों को फॉलो नहीं करते बल्कि नेगेटिव लोगों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। आज अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला गुरु है वो हमारी माता है, जिसने हमारे हाथ में सबसे पहले कलम पकड़ाई होगी। उसके बाद अगर दूसरा गुरु बात करें तो हमारा पिता है, जिसने हमारे लिए उन सभी संसाधनों को जुटाया जिससे हम अच्छी एजुकेशन ले सकें। लेकिन आज वही माता पिता हमारे लिए बहुत बेबस हैं। हम चाहते हैं कि हम मन में आए वो शरारत करें, लेकिन माता पिता हमें डांटते ना। आज हम उनको डांटने का अधिकार भी नहीं दे रहे हैं कि आपके अंदर है छोटी छोटी बुराई भी दूर हो जाए, क्योंकि ये समय बेटा अपने आप को खड़ा करने का है। ये समय नशेखोरी का नहीं है बिल्कुल भी। कुछ बच्चों की शिकायत आई है कि वो कुछ इस तरह की सामग्री यूज करते हैं, लेकिन ये समय बिल्कुल भी नशेखोरी नहीं, बदमाशी का भी समय नहीं है। ये समय है केवल अपने आप को खड़ा करने के लिए, ताकि भविष्य में आप हमें कहीं मिलो तो हमें आप सर झुका के सलाम कर सको और हम भी कह सकें भाई ये मेरा स्टूडेंट रहा है। किसी समय जिस भी डायरेक्शन में जाओ, आने वाले समय में आप इस देश के जिम्मेवार नागरिक बनेंगे। आज आप यहाँ बैठे हैं, आने वाले में कुछ बच्चे आप में से फौज में निकल जाएंगे, कुछ पुलिस में चले जाएंगे, कुछ IAS ऑफिसर बन जाएंगे, कुछ लेखाकार बन जाएंगे, कुछ क्लर्क बन जाएंगे, कुछ टीचर्स बन जाएंगे। बनेंगे तो आप में से ही भाई, नया तो कोई आएगा नहीं कि दूसरे देशों से नागरिक आएंगे नौकरी करने के लिए। आप ही करेंगे कि नहीं, कोई बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है। तो उस समय अपना जो भी काम आपको दिया जाए, जिस भी ऑफिस में आप बैठे हो, उस ऑफिस में आप अपनी न्याय संगत प्रक्रिया को जारी रखें, और कम से कम कोई आदमी आपके बारे में ये कहे कि भाई फलाना ऑफिसर बहुत अच्छा है। यही हमारी जो गुरु दक्षिणा आपके लिए होगी। और आजकल एक और भी हम देखते हैं कि अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, और वृद्ध आश्रम में आपको पता है माता पिता होते हैं आप जैसे ही किन्हीं बच्चों के, जिन्होंने मेहनत करके अपना पूरा समय आपके लिए खर्च कर दिया, अपनी हड्डियां तक गला दी आपके माता पिता ने आपको सफल बनाने के लिए, और उन्हीं माता पिता को आपने वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। कितनी शर्म की बात है बताओ भाई, है कि नहीं ये शर्म की बात? जिस माता पिता ने आपको सवारने के लिए, आपको एक अच्छा भविष्य देने के लिए अपनी हड्डियों तक भी गला दी, अपनी आंखें तक कुर्बान कर दी, उन माता पिता को आपने जैसे ही आप पास आउट हुए, नौकरी लगी और आपकी शादी हुई, तब आपके स्टेटस बदल जाते हैं। शादी से पहले स्टेटस अलग होता है, शादी के बाद स्टेटस अलग हो जाते हैं आपके। फिर आप ये लिखते हैं माई वाइफ इज माई लाइफ, ये कोई अच्छी बात आपके लिए नहीं। माता पिता का योगदान कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? और अगर इस शिक्षक दिवस पे
हमें अगर आप कुछ भी गुरु दक्षिणा देना चाहो तो हम आपसे यही मांगते हैं कि जो आपके अंदर बुराइयां हैं, जो आपके अंदर नशेखोरी की आदत है, उसको आज और इसी पल से छोड़ के जाओ और एक संकल्प लो कि सर भविष्य में हम ऐसे नागरिक बनेंगे कि आपको हमारे बारे में बताने के लिए बहुत फक्र होगा और आप खुद हमें ढूंढते फिरेंगे, भाई फलाना बच्चा है था मेरा और आजकल आईएएस बन के फलानी जगह बैठा है, चलो छोटा मोटा काम निकलवाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।